हे गाइस, अगर आप भी गूगल पे यूज़ करते हैं और आप भी अपने गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं जिसे आप अपने गूगल पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गूगल पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको आना होगा गूगल पे में। गूगल पे में आने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, नीचे मिलेगा व्यू अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री डिलीट करने वाले हैं अपने गूगल पे की, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरी कई सारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्रियाँ हैं। यहाँ पे ये डिलीट करूँगा मैं आपके सामने। हम आते हैं बैक आने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमें गूगल पे में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करके दिखाऊंगा। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आपको आना होगा अपने सेटिंग में। इस तरह से आपको नीचे स्लाइड करना है, आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा पर्सनल इन्फो। कई सारे यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएंगी जिसमें से आपको नीचे आना है। यहाँ पे मिलेगा आपको क्लोज अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा आर यू श्योर योर अकाउंट विल बी क्लोजेड। सो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोज अकाउंट का ऑप्शन, आपको क्लोज कर देना है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आपने गूगल पे में जिस नंबर से लॉगिन किया था वो नंबर आपके पास होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको क्लोज अकाउंट कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लियरिंग योर गूगल पे प्रोफाइल। यहाँ पे हम आ गए अपने फोन के होम स्क्रीन पर और यहाँ पे फिर से हम चलते अपने गूगल पे। गूगल पे में आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेलकम टू गूगल पे। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना, आपने जिस नंबर से गूगल पे में यहाँ पे अकाउंट बनाया था वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है जो आपके बैंक से आपका नंबर लिंक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने आएगा चूज एन अकाउंट, यहाँ पे आपको मिलेगा आपका ईमेल और नीचे मोबाइल नंबर मिल जाएगा आपको। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको अपने ईमेल पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कोई अनदर अकाउंट चूज़ कर लेना है। आपको दोस्तों ध्यान ये देना है कि आपने गूगल पे में जिस ईमेल से लॉगिन किया था उस ईमेल को आपको रिमूव करना होगा। आप किसी दूसरे ईमेल से अगर लॉगिन करते हैं तभी आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट होगा। अगर आप इसी पे अपना अकाउंट क्लोज करेंगे और उसी ईमेल से कंटिन्यू करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वहाँ पे शो करेगा। तो ऐसे में अगर आप कोई दूसरा ईमेल यूज़ करते हैं, अनदर अकाउंट यूज़ करते हैं, तो आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वहाँ पे शो नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा गूगल पे ओपन हो जाएगा। ओटीपी आया, वेरीफाई भी हो गया और यहाँ पे दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योर गूगल पे, आपको यहाँ पे कोई पैटर्न लगाना होगा या फिर पिन, यूज़ योर स्क्रीन लॉक या फिर क्रिएट गूगल पिन। सो यहाँ पे हम स्क्रीन लॉक यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके सामने आया स्टार्ट न्यू पेमेंट, यहाँ पे आप न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे साइड में क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे अब आपके गूगल पे में आपका जीमेल चेंज हो गया है। यहाँ पे हम चल के देखते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे नहीं बची, यहाँ पे सब ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट हो गई। इस तरह से आप आसानी से अपने गूगल पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अगर बैक आएंगे तो यहाँ पे सब आपको सेम उस तरह से दिखेगा, लेकिन जो आपने स्टार्टिंग में रिवॉर्ड देखा था वो सब यहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि हमने अपना ईमेल चेंज कर लिया है। इस तरह से आप काफ़ी आसानी से अपने ईमेल को चेंज कर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो डिलीट हो गया, लेकिन दोस्तों इसमें एक बात और है कि अगर आप दूसरे ईमेल से लॉगिन करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट भी रिमूव हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको फिर से वही करना है जब आपने गूगल पे स्टार्ट किया था, वही प्रोसेस करके आपको अपने बैंक को भी ऐड करना पड़ेगा और आपकी गूगल हिस्ट्री भी डिलीट हो जाएगी। फिर से आप बैंक ऐड करेंगे, फिर से आप गूगल पे यूज़ कर पाएंगे। तो सॉरी, यहाँ पे आपका कोई भी डाटा नहीं बचेगा और आपको फिर से अपने बैंक को ऐड करना पड़ेगा अपना यूपीआई यूज़ करने के लिए।